हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे दम बिरयानी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। हमें दम चिकन बिरयानी बनाने के लिए 1 kg चिकन लेना है। उसमें मैंने सॉल्ट और लेमन स्क्वीज़ करके रख दिया था हाफ़ एन आवर के लिए। मैंने ये स्लाइस्ड अनियंस ली हैं, 1 kg राइस लिए हैं, बिरयानी वाले राइस। इसको मैंने 1 आवर के लिए सोक करके रख दिया था। अब हमें एक वेसल में ऑयल डालना है 3 tablespoons। उसमें चिकन को डालना है। चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कम से कम मुझे 8 से 10 मिनट लगे लो मीडियम फ्लेम पे चिकन को फ्राई करने में। अब मैंने ऑयल डाला, उसमें मैंने अनियंस काट के डाल दी थी। 4 से 5 अनियंस ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, उसको मैंने डाल दी। अब मैं इसको फ्राई करूँगी अनियंस को। कुछ अनियंस जो है हम वो निकाल के रख लेंगे गार्निशिंग के लिए, और कुछ अनियंस हम इसमें ही फ्राई करेंगे, मसाले में यूज़ करेंगे। देखिए, हमें अनियंस को अच्छे से फ्राई करना है लो मीडियम फ्लेम पे। हमें चम्मच चलाते जाना है ताकि जो हमारी अनियंस है वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। देखिए, ऑलमोस्ट हमारी जो अनियन से फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल के रख लेंगे आधी अनियंस को गार्निशिंग के लिए। और अब मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाला है। 2 teaspoon जिंजर का पेस्ट एंड 2 teaspoon गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। हम इसमें होल गरम मसाला भी ऐड करेंगे, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बे लीव्स और कुछ लौंग, कुछ ब्लैक पेपर, ये सब हम ऐड करेंगे। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन है उसकी स्मेल ना आए। हमें कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाना है ताकि जिंजर और गार्लिक है उसमें से स्मेल ना है, वो अच्छे से पक जाए। जिंजर और गार्लिक वो अच्छे से पक गया है, भुन गया है मसाला। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी है वो ऐड करेंगे। इसमें मैंने 5 टमाटोज लिए थे और 10 ग्रीन चिलीज ऐड की है मैंने। उसको हम दोनों का पेस्ट बना लिया है और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। टमाटो पेस्ट डालने के बाद हमें इसको अच्छे से भूनना है। अब इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने हल्दी पाउडर डाला है 1 teaspoon, रेड चिली पाउडर डाला है 1 teaspoon और सॉल्ट डाला है 1 teaspoon। इन सबको डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मैंने 2 teaspoon बिरयानी मसाला भी ऐड करा है, जिससे जो हमारी बिरयानी है उसका टेस्ट और ही अच्छा लगे, इसलिए मैंने बिरयानी मसाला भी ऐड करा है। ये देखिए, मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इसको अच्छे से चलाते रहना है जब तक जो हमारा ऑयल है वो ऊपर ना आ जाए और मसाला जो है वो नीचे ना बैठ जाए। Thank you.
ये देखिए 15 मिनट की भुनाई करने के बाद जो हमारा ऑयल है वो ऊपर आ गया है। देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। मैंने 3 टेबलस्पून दही लिया था, उसको ग्राइंड कर लिया था 1 मिनट के लिए और मैंने इसमें ऐड कर दिया। हमें दही डालने के बाद हमें इसको अच्छे से चलाना है। देखिए जो हमारा मसाला है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब हम इसमें फ्राई चिकन है वो ऐड करेंगे अपना। ये देखिए मैंने चिकन लिया है, वो मैंने डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करके हमने डाला है, अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से मसाले में ऐड हो जाए, मिक्स हो जाना चाहिए प्रॉपरली, ताकि जो हम एक बोटी खाएं चिकन की तो इसमें अच्छे से जूसी फ्लेवर आए। हाफ कप वाटर भी ऐड करा था जिससे जो चिकन है वो हमारा गल जाए और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। हमें ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ही वाटर ऐड करना है। अब हमें इसको ढक के पकाना है कम से कम 10 मिनट्स के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से पक जाए। देखिए मसाला कितना टेम्पटिंग लग रहा है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी रोटी के साथ खा सकते हैं। यही पूरा मसाला होता है बिरयानी का जो कि हम दम बिरयानी के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए मैंने इसमें वाटर लिया है 3 लीटर, उसमें मैंने मिंट के लीव्स डाले हैं, ग्रीन चिलीज डाली है, शाहजीरा ऐड करा है, सॉल्ट ऐड करा है 3 टेबलस्पून और होल गरम मसाला ऐड करा है। इसको हमें अच्छे से उबाल आने तक इसको पकाना है कम से कम 10 मिनट्स के। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे, जो बिरयानी के राइस हमने 1 आवर्स के लिए सोक करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें इससे कम से कम 15 मिनट्स तक के लिए लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है चावल को, ताकि जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से गल जाए। हमें अपने चावल को 80% गलाना है। हम इसको ढक के पकाएंगे। हमने पूरे चावल जो है वो ऐड कर दिया है इसमें। जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। अब हम अपने जो चावल हैं उसको हम छान लेंगे।
ये देखिए हमारे चावल जो है वो ऑलमोस्ट 80% गल चुके हैं। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले हमें एक वेसल लेना है जो कि गहरा होना चाहिए। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। हमें पूरे राइस एक साथ ऐड नहीं करने, हाफ़ राइस ऐड करने हैं। हमने चावल डाल दिए हैं बेसन में। अब हम इसमें चिकन जो है वो हाफ चिकन हम इसमें ऐड करेंगे। चिकन को भी हमें हाफ डालना है और जो राइस है उसको भी हमने हाफ डाला है। हमें एक साथ पूरा चिकन या पूरा राइस नहीं ऐड करना है, हमें हाफ ऑफ करके ऐड करना है। हम इसकी लेयरिंग करेंगे। अब ये चिकन डालने के बाद फिर इसके ऊपर राइस की एक लेयर आएगी। ये चिकन डाल चुका है, अब हम एक और राइस की लेयर लगाएंगे। राइस की लेयर लग चुकी है, अब हम एक और चिकन की लेयर लगाएंगे। जो हमारा बचा हुआ चिकन है वो पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने पूरा चिकन डाल दिया है, अब हम जो पूरा राइस जो हमारा बचा हुआ है वो पूरा ऐड कर देंगे हम इसमें। ये देखिए जो मेरा वेसल है वो पूरा ऊपर तक भर चुका है। ये पूरी 1 kg राइस थे और 1 kg चिकन था, तो ये पूरी 2 kg की बिरयानी थी। अब हम गार्निशिंग के लिए ऊपर से फ्राइड अनियंस ऐड करेंगे और उसमें कुछ मिंट की लीव्स भी ऐड करेंगे और ऑरेंज कलर जो हमने वाटर में डाल के रखा था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। या तो आप ऑरेंज कलर की जगह सैफ्रन भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये ऑरेंज कलर मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सब जगह मैंने ऐड किया है ऑरेंज कलर। अब हमें इसको दम में पकाना है कम से कम 20 से 25 मिनट्स के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे हमें रखना है और ऊपर कोई हमें भारी चीज़ रखनी है प्लेट के ऊपर, ताकि जो हमारी दम है वो बाहर ना निकले। ये देखिए हमारी बिरयानी कितनी टेम्पटिंग लग रही है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। इसको आप अचार के साथ या दही के रायते के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी, आप भी बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।